हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े समझे बिजनेस कम्युनिकेशन के। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी चैप्टर की कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट टैब में आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट की, वहां से भी आप उनको देख सकते हैं। फिलहाल चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सो मेक श्योर एटलीस्ट चैप्टर नंबर 5 तक आपने सारी वीडियोज देखे हो, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा जो कि चैप्टर नंबर 1 से ही है, चैप्टर नंबर 1 यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस हमने उसमें जाने थे बहुत अच्छे से, राइट। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स में अगर ये इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो इसमें ये फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है वो बताओ, फीचर्स बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 से इन दोनों ही टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें, एक तो कम्युनिकेशन क्या होता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ जिसका नाम था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चैप्टर हमने पढ़ा था, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है और एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। 10 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स में आपसे सिर्फ कम्युनिकेशन पूछ सकता है, 5 मार्क्स में सिर्फ आपसे वो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी पूछ सकता है और दोनों को मिक्स करके यानी कि 10 मार्क्स में वो आपसे दोनों ही चीजें पूछ सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन आप इजीली डिफाइन कर दोगे कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की तो पहले आप कम्युनिकेशन प्रोसेस की एक डेफिनेशन दोगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, फिर आप उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताओगे जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन होता है आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, सेंडर होता है, सेंडर के पास कोई मैसेज कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाता है, फिर रिसीवर फीडबैक देता है उस मैसेज या फिर उस इन्फॉर्मेशन का। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक, राइट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो चैप्टर का नाम है वही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम बोलकर कर रहे हैं बातें वो, और नॉन वर्बल यानी कि जो हम बिना बोले कर रहे हैं, हम अपने जेस्टर्स के थ्रू कर रहे हैं कुछ बात, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, अपने बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, राइट। बहुत अच्छे से सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, बस आपको वीडियो देखने जाके समझना है और इजीली आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि इसी चैप्टर से है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है वो आप बताओ। अगर इसको थोड़ा और मार्क्स ये बढ़ाएंगे तो उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के अलग से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, या फिर दोनों को मिक्स करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना के ये दोनों चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर करें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो कि है चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 4 यानी कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बाधाएं जो आती हैं वो हमने यहाँ पर जानी थी, क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर, जो चैप्टर है उसी पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। तो बहुत अच्छे से हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या बाधाएं कम्युनिकेशन के बीच में आती हैं, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो यहाँ इन्होंने कम्युनिकेशन बैरियर के मीनिंग के साथ साथ बैरियर का टाइप भी हमसे पूछ लिया जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, वैसे तो हमने काफी सारे टाइप्स पढ़े थे, पर्सनल बैरियर हमने जाना था, सिमेंटिक बैरियर हमने जाना था, इमोशनल बैरियर हमने जाना था, बाकी कुछ अदर बैरियर्स भी होते हैं, तो वो सब चीजें हमने जानी थी। लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं, ठीक है। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, सिर्फ मीनिंग बताओ 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, जिस भी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपसे पूछ सकते हैं। बाकी दोनों क्वेश्चन को मिक्स भी ये कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में बताओ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में बताओ, फिजिकल बैरियर्स के बारे में बताओ। तो ये जो व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है इसकी जगह पर कोई और भी टाइप आपसे पूछ सकते हैं, तो उनको भी आप साथ में थोड़ा पढ़ते हुए चले, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अगेन इसी चैप्टर से है, व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन, सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव देम। मेन बैरियर्स कौन से होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, हम अपने जो आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम मैसेज को डेवलप नहीं कर पा रहे, हम मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे, सेंडर ने कोई मैसेज भेजा उसको रिसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिफरेंसेस हमने जाने थे जो सेंडर और रिसीवर में क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सारे जो है मेन बैरियर्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में आने वाले, इनके बारे में आप वहाँ पर लिख सकते हैं इजीली, ठीक है, सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव देम। अब कैसे उन बैरियर्स को हम रिमूव कर सकते हैं वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो सिर्फ आपको वीडियो देखनी और आप इनको इजीली कर पाओगे, ठीक है। पर दोनों क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछे जाएंगे तो 8 मार्क्स 10 मार्क्स में इजीली आ सकता है, अदरवाइज अगर ये अलग अलग पूछे जाए तो 4-5 मार्क्स में अलग से भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, इफेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ टेक्निक इन बिजनेस कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 5 से ही हमारा क्वेश्चन है,
चैप्टर नंबर 5 में हमने जाना था टेक्नोलॉजी बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या रोल प्ले कर रही है, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उसमें हमने ईमेल के बारे में पढ़ा, मैसेज के बारे में पढ़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, सब चीज़ों के बारे में जाना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इफेक्ट्स हैं, क्या फायदे हैं जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्निक्स होती हैं उनकी। अगर ये क्वेश्चन आपसे 8 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो पहले आपको उन टेक्निक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, उन टेक्निक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फिर उनसे क्या इफेक्ट है, क्या फायदे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो आप वहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हेडिंग आप डालोगे ईमेल, ईमेल के बारे में आप बताओगे ईमेल क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन पे, क्या उसके फायदे हैं, वो आप लिखोगे। नंबर 2 हेडिंग आप डालोगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर सोशल नेटवर्किंग, उसके बारे में आप बताओगे सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो वो सब चीजें आप लिखकर पूरे आंसर को इस तरह से फ्रेम करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि अगेन चैप्टर नंबर 5 से ही है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के फायदे उन्होंने पूछे। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईमेल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है कि 2 पॉइंट बता दो सिर्फ और हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा में ये आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ईमेल के फायदे क्या होते हैं वो आप इजीली वहां पर लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कि जितने ज्यादा मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही ज्यादा कंटेंट आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग आपसे पूछा गया तो 5 मार्क्स में आपसे पूछ लेंगे, लेकिन अगर ये आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछ लिया तो आप उस हिसाब से अपना कंटेंट लिखोगे। 10 मार्क्स में आपसे पूछता तो उस हिसाब से आप कंटेंट लिखोगे, 5 मार्क्स में आपसे पूछता है तो आप थोड़ा कम कंटेंट लिखोगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ये मैंने आपको 10 मार्क्स के हिसाब से बताया कि आप सारी टेक्निक्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब करोगे 10 मार्क्स में। 5 मार्क्स में अगर आपसे पूछता है तो टेक्निक आप सारी बताओगे, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मैसेज हमारा हो गया, ईमेल हमारा हो गया, टेक्निक आप सारी बताओगे, लेकिन उन टेक्निक्स के पॉइंट आप थोड़ा कम कर दोगे तो वो आंसर आपका 5 मार्क्स का बन जाएगा। ज्यादा कंटेंट ऐड कर दोगे तो ज्यादा मार्क्स का बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। जितने ज्यादा मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही ज्यादा कंटेंट आप अपनी कॉपी में लिखोगे, बस इसी लॉजिक का सारा खेल है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कहें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के। इन 5 चैप्टर में से अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है इन टॉपिक्स के अलावा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना तो आपको करना ही करना है। इसी तरह से आगे के चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।